तो देखिए यहाँ इटली में एक घर है और ये घर के अंदर से पानी आ रहा है। तो राम राम सीताराम, आप सभी को प्रणाम। आप सब कैसे हैं? तो मैं अभी आया हूँ इटली में, तो मेरा घर है इटली में। आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो सुबह हुआ है, ये हमारा मस्त यहाँ का नज़ारा है, देखिए आप। और अभी हम जा रहे हैं आगे, यहाँ से मेरा काम था कुछ तो मैं आया हूँ। मस्त गांव है, रहने की मज़ा तो क्या बोले, इससे अच्छा तो इतना सुंदर सा चकले बोल रहे और इतना शांति है कि क्या बोले कुछ। तो चलो फिलहाल हम जाते हैं अभी इटली में, मेरे भगवान। अबे हमें जाई रही है अच्छे आगड़, तो चलो जुओ तमे पण केवु छे अहींना इटालीनी लाइफ ने इटालीनी कंट्रीनी सुंदरता, ज्यां अमे पण जाईए छे त्यां तमने बतावशो आगळ आगळ। જો સામેથી દેખાય છે બરફ, અહીંયા ડુંગરોમાં અમારે બરફ પડ્યા છે, ડુંગર છે ને એટલે આવા માઉન્ટેન છે, માઉન્ટેન ને ઉપર ઘર હોય, આખી અલગ જ એક રહેવાની મજા આવે, ખબર નહીં જેને જેને આ અનુભવ કર્યો હશે એ કહેજો તમે, જો જીવનમાં ક્યારેય કર્યો હોય તો। અમે તો અહીંયા રહ્યા છે 6-7 વર્ષ સુધી, એટલે રહેવાની બહુ એમ કે મજા, આમ શાંતિ એકદમ, એમ બીજું શું જોઈએ જીવનમાં। तो इटली के रास्ते कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं अंडरग्राउंड, डूंगर के अंदर टनल होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है, इतनी बड़ी कि क्या बताए। तो देखिए यहाँ इटली में एक घर है और ये घर के अंदर से पानी आ रहा है, और ये एक चमत्कार नहीं है, ये पूरा ये जो माउंटेन है ना उसके पता नहीं उसके नीचे से या तो कुछ अंदर पाइपलाइन है, इधर से नदी है पूरा, देखो नदी भी आ रही है लेकिन साथ में यहाँ पानी भी निकल रहा है तो इस तरह का। और पानी भी देखो क्रिस्टल वाटर है, देखो आपको दिखाई देगा पूरा क्लीन। तो इस तरह का कुछ नदियां है इटली में और ऐसे बस बही जा रही है, ऐसे माउंटेन है बड़े बड़े, ऐसे वो है दुकान है यहाँ, एक अभी बंद है। ये देखो ऐसे पत्थर का है और उसके अंदर से पानी आ रहा है। यहाँ इटली में 24 घंटे ऐसे पानी आता है पीने के लिए, और इसमें मैसेज लिखा है इटालियन में है, देखो इसको पढ़ना आता है, के बेवे दी क्वेस्ता आक्वा नॉन आवेरा प्यू सेते, जो ये पानी पिएगा उसको कभी तरस नहीं लगेगी, ऐसा लिखा है। देखो यहाँ से बहुत लोग आते हैं तो गाड़ियों लेके घूमने के लिए पूरे यूरोप में से, इधर पूरा हम अभी जा रहे इधर, तो चले देखते हैं पूरा माउंटेन बर्फ सब। देखो इधर बहुत बहुत साइकिल सबको माउंटेन में घूमते है। तो देखिए कैसा है यहाँ का टनल, नेचुरल
जहाँ लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा सा एक टुकड़ा है, ऐसे है कुछ इटालियन टनल थोड़ी है, बाकी तो आप देखो नजारा। तो देखिए कैसा है यहाँ का माउंटेन, पूरा इस तरह का रोड है और देखिए पूरा खाई है, खाई उत्तराखंड के जैसा माहौल है। नीचे तो नदी पानी बहता है और सामने देखो वो बारिश बर्फ पड़ा है, बर्फ देखो ऐसा माउंटेन है, ऐसे है रोड। देखिए रोड बहुत डेंजरस है। खेती देखिए कैसी है, ऐसे माउंटेन में एक ऐसी जगह है जहाँ खेती हो रही है। सुपर मार्केट रिंगणा मर्चा, केवड़ा केवड़ा मर्चा जो तो करी मरचो हाथ में मन मनावे छे। ब्रोकोली यहाँ तुम्हारे बकालू लेवो है ना तो अमे रींगणा नो वजन करीए छे, आवी रीते नंबर दबावाना, रींगणा ने ऊपर दबावानो अने अहीं टिकट निकली जाय। केटला ना थया, एक पाउंड नो थयो। देखिए इटली का कितनी जात का पास्ता है, कितनी तरह का, पूरा ये भरा है, ये सब पास्ता है यहाँ का, पूरा ये सब इतनी क्वालिटी का पास्ता मिलता है। इटालियन फैमिली इटली देखा आपने, अभी हम आ गए हैं, इधर इधर घूमने गए थे और अभी यहाँ दरिया है तो अभी दरिया देखो मेरे पीछे, आप दरिया देखता है पूरा, तो थोड़ा इधर का दिखाता हूँ। चलिए तो ये है कुछ इटली की शाम की सुहानी नज़र के अंदाज, कुछ अलग ही है। और पूरी दुनिया में सभी, एक कंट्री में कुछ है ही नहीं, सबके पास अलग अलग है, तो एक दूसरे को क्या है कि कंपेयर नहीं कर सकते। और लाइफ में भी जिसको भी मिला ना, सभी किसी को मिला ही नहीं, क्योंकि पूर्ण जिसको मिला ना वो तो परमात्मा के होते हैं, उसको तो परमात्मा हम कहते हैं।
तो मजा आता है सब जगह अलग अलग नजारा। तो आज हम यहाँ है इटली में, अचानक आने का हुआ और बस ये शाम का नजारा है, कुछ डिफरेंट ही, पूरा एक अलग सा फील होता है। तो जो भी अपने लाइफ में टेंशन है, आप डिप्रेशन में हो, कुछ भी हो, बाहर कोई भी देश में चले जाओ, दो दिन के लिए भी चले जाओ, मैं अभी आया दो दिन के लिए, केवल एक दो, बस दो दो या तीन, तीसरे दिन तो चला जाऊंगा। तो जो भी दो दिन का तो टाइम मिल, दो दिन की तो छुट्टी होती है, क्योंकि चार दिन का पांच दिन का जॉब होता है, बिजनेस होता है, कुछ भी, लेकिन दो दिन को तो टाइम होता है ना। बस यूरोप में दो दिन के लिए आप आ सकते हैं, सुबह आओ, शाम को आगे खाओ बैठो और फटाफट एक्सप्रेस टूर करो। एक्सप्रेस धीरे धीरे में बहुत खर्चा होता है, बहुत टाइम लगता है, नहीं एक्सप्रेस दो दिन की ट्रिप कैसे करनी है, क्या करना है, उसके लिए आपको जानकारी चाहिए तो गो फॉर द बेस्ट विथ राजू इंस्टाग्राम यूट्यूब और फेसबुक से। पर इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज, आपको क्या जानकारी चाहिए, कैसे एक्सप्रेस टूर किया जाता है, कितने दिन का किया जाता है। अरे एक दिन में मैं तो कर सकता हूँ, एक ही दिन में, यस 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 यस, वाई नॉट, लाइफ इट वेरी इजी, सो डोंट वरी, जस्ट इजी। तो अभी मैं आ गया हूँ घर पे और मस्त नज़ारा है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तभी के लिए आज का वीडियो इटली में यह समाप्त करता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए आप सभी को प्रणाम। जय माता दी, जय जय कर, जय सियाराम।